जो कुछ भी होती रहेगा क्या नुकसान वो ये अल्पसंख्यक मुद्दे को क्यों उठा पा। देखिए ये मुद्दे जो है ये तो अभी आए हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब तो अभी आए हैं सत्ता में, इससे पहले तो यही लोग सत्ता में बैठे हुए थे। आप आना से तब भी आपने बात उठाई थी। मैंने बार बार मैंने तो हर बार ये कहा कि साहब मीटिंग किया करिएगा, रिव्यू होता है, हमको समझ में आता है क्या है करके उसमें। तो यही नेता जो थे जो आज मुसलमानों के बीच में आ रहे हैं, राजेश टोपे आके है तो अपना, राजेश टोपे साहब आके सब अपना है तो उन्होंने अपनी पार्टी का प्रोग्राम लिए, क्या उनको लगा नहीं कि भैया मुसलमानों के लिए मुझे भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी सामने जितने भी बैठे हुए हैं ये सब सब मुसलमान जो उनके पास बच गए हैं, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए मुझे कम से कम इनके लिए रिव्यू करना पड़ेगा, या आप सत्ता में थे तो बता दो, मतलब अपने पार्टी के भी आए हैं कभी मुसलमानों के लिए आए हैं। मैं सब तमाम उन राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों की याद सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आती है, ऐसे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के टाइम के ऊपर नहीं आती है। अब तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, फिर मैं धनंजय मुंडे को बोलना चाहूंगा कि साहब एक मीटिंग लीजिए, जालना के अंदर इनको बोलना चाहूंगा कि साहब लीजिए, फौजिया मैडम को बोलना चाहूंगा कि परभनी के अंदर मीटिंग लीजिए और पता करिएगा कि आपका भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया है कि वहां पे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चार साल पहले जो मीटिंग हुई थी आपके रिव्यू मीटिंग, वो चार साल के बाद सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। फिर सर आपको ताज्जुब होगा कि चार साल के बाद जब उनसे पूछा गया कि सात साल पहले तो क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, तो उनके पास वो मिनट्स की नहीं है चार साल पहले क्या चर्चा हुई थी और उसके ऊपर क्या फैसले लिए गए थे। यानी कि सोचिएगा कि अल्पसंख्यक के बारे में उनकी कितनी संजीदगी है।